सभी लोगों का नमस्कार है। मेरा नाम है अचेत। ये मेरा आर्टिस्ट हार्ट करके यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं ड्राइंग सिखाता हूँ। हमारा नॉर्मली ड्राइंग के लिए जो भी चीज़ बेसिक चीज़ चाहिए, वो कैसे करना है, कैसे पेंसिल को पकड़ना है, क्या उसका बेसिक होगा, वो सब मैं यहाँ पे अभी इस क्लास में सिखा रहा हूँ। आज का क्लास में जो भी सिखाता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के पर्सनली जो भी मैंने बचपन से जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं ये सब कर रहा हूँ। नॉर्मली ड्राइंग में जो भी आप वस्तु जो भी देखते हो, सभी इसी प्रिंसिपल से ही, इसी प्रिंसिपल का ही वहाँ पे भी आपको दिखता है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चे से और जो भी एल्डर है, वो सीनियर भी है, उनको भी ये क्लास काम में आ सकता है। जब भी आपको मन चाहे आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकता है। और आज का ये ड्राइंग में पेंसिल को कैसे पकड़ना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पेंसिल तो पकड़ते हैं नॉर्मली हाथ का ऊपर से पकड़ते हैं, तो इसमें दो तरीके होते हैं, हाथ से अंदर और हाथ से ऊपर। तो हाथ से ऊपर जो है सभी लोग भी पकड़ सकते हैं, मगर हाथ की अंदर जो रखते हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला भी रखते हैं, और उसमें क्या होता है, शेडिंग भी कर सकते हैं और हमारा ड्राइंग थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। और ये जो हाथ से अंदर रखने का जो भी है स्टाइल है, वो बच्चे लोग नॉर्मली 12 की उम्र के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको नहीं होगा, क्योंकि उनको बैलेंस नहीं आएगा और पेंसिल ठीक से पकड़ने भी नहीं सकते। और छोटा पेंसिल जो भी यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को मैं यही सजेशन करता हूँ, पेंसिल होल्डर मिलता है, वो आप पेंसिल होल्ड भी कर सकता है, नहीं तो जो भी पुराने वाला पेन है उसको पीछे वाला निकाल दो और पेंसिल वहाँ उसके ऊपर डाल दे सकते हो। तो मैं नॉर्मली वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पेंसिल वेस्ट भी नहीं होगा और आपका काम भी आसान होता है। और दूसरा है कि हमारा हाथ हमेशा पेपर से ऊपर होना चाहिए, तो आप हमारा ड्राइंग थोड़ा फास्ट भी आ सकता है, और हमारा ये जो हाथ है इससे यहाँ पे आपका हाथ गंदा नहीं होगा, और वो गंदे से आपका पेपर भी गंदा नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा आपके हाथ ऊपर रहे। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है सर्कल। आप एक बार शुरू किया तो एक ही पॉइंट में उधर ही आना चाहिए, वैसे ही आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है एग वाला स्टेप, वो भी एक बार शुरू किया तो उधर ही आके रुकना है, तो बार बार उसको लाइन मत मारो, तो एक ही बार शुरू करो, इसी भी एक ही बार में एंड करो। हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको भी एक बार शुरू किया तो एंड तक वहाँ पे होना चाहिए, तो स्ट्रेट आधा जितना हो सकता है उसको स्ट्रेट भी मारो, तो वो लगना चाहिए आपको स्केल से ही किया है। और उसका लंबा लाइन, तो उसको बोलते हो वर्टिकल लाइन, तो ऊपर से नीचे। और एक है क्रॉस लाइन है, वो हमेशा ऊपर से नीचे भी नहीं होता और स्ट्रेट भी नहीं होता, तो उसको क्रॉस ही होता है, तो ऐसा वाला लाइन को क्रॉस लाइन कहते हैं। और तीसरा है कि हाफ मून शेप वाला, हाफ मून शेप ऊपर नीचे और दोनों साइड पे भी हो सकता है। और एक है जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन भी हॉरिजॉन्टल भी लिखो और वर्टिकल में भी लिखो। वेव लाइन, अब वो भी वेव जैसा ही आना चाहिए, तो आप देखे होंगे पर्वत हो पानी हो कैसा दिखता है वैसे ही, उसका भी हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए और ऊपर से नीचे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और तीसरा है कर्ली हेयर वाला, आपने देखे होंगे कर्ली हेयर वाला भी देख सकते हैं वो कैसे ऊपर से नीचे होता है, और हम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। वो एक है कि कंटिन्यू मून लाइन जैसे ही दिखता है, उसको बोलते कर्ली हेयर। ये है पूरा, आप जो भी ड्राइंग देखते हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो उसमें आपको ये सारे चीज़ वहाँ पे दिखता है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ सकता है,
सर्कल भी आता है और zigzag लाइन भी दिखता है, वेव लाइन भी दिखता है और कर्ली हेयर भी दिखता है, क्रॉस लाइन भी दिखता है, अंडा शेप का वाला भी लाइन दिखता है, हाफ मून शेप वाला भी लाइन भी दिखता है। तो ये इतने सारे ड्राइंग की हर ड्राइंग का बेस है। तो इसको हम लोग हर जो भी ड्राइंग करते हैं उसको हम लोग करने से पहले उसका एक बार टेप पेपर में या जो भी वेस्ट पेपर में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको इसी में ही दिखा रहा हूँ। तो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे सर्कल, बड़ा सर्कल हो और सभी सर्कल होने के बाद उसके अंदर भी छोटे छोटे सर्कल ड्राइंग करना है। एक बार बड़ा सर्कल लिखो, उसके बाद छोटे छोटे सर्कल भी लिख लो। तो उससे क्या होता है, हमारा हाथ छोटा चीज़ में भी काम करने के लिए एक्सरसाइज भी होता है और हमारा काम भी अच्छे ही होता है। और उसी में ही हम लोग हॉरिजेंटल लाइन लिखेंगे। हॉरिजेंटल लाइन एक बार शुरू किया तो एंड तक वहाँ आपका हाथ बिना रुके वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। कम से कम स्ट्रेट लाइन मारने की कोशिश करो, लगना चाहिए आपका लाइन स्केल में बना हुआ है। और उसको पास ही में ही दूसरी लाइन भी आना चाहिए, क्योंकि ये सभी पास लाइन लगने से क्या होता है, जो भी हम लोग ड्राइंग करते हैं पास में, उसके लिए भी हमारा हाथ प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे ही वर्टिकल लाइन भी हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए, बिना रोके लाइन होना चाहिए। और क्रॉस लाइन ना हॉरिजेंटल होगा ना वर्टिकल होगा, तो उसको क्रॉस से ही लाइन करना है। उसको भी पास में आप लिखने की कोशिश करो, और राइट साइड भी हो लेफ्ट साइड लाइन पे भी हो, दोनों तरफ आपका हाथ प्रैक्टिस होना चाहिए। और हाफ मून वाला प्रैक्टिस, हाफ मून का भी ऐसे ही पास में लिखो, उसे हम बिना रुके। और ड्राइंग करने से पहले मैं आपको एक नोट देता हूँ, हमेशा एक बार लाइन मार दिया तो आप एंड तक उसको ठीक से मारना है, मतलब लाइन छोड़ना है, बार 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 घसीटना और ऊपर से नीचे बार बार उसको ऊपर, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा थिक वाला लाइन आता है, वो सब नहीं करो। आप कितना चाहे आराम से कर लो। अभी zigzag लाइन है, उसको हॉरिजेंटली लिखने की कोशिश करो और वर्टिकल भी लिखने की कोशिश करो, मतलब ऐसे स्ट्रेट वाला और ऊपर नीचे से वाला। और वेव लाइन भी पास में ही होना चाहिए। और है तो कर्ली हेयर है, तो ये ना पूरा सर्कल भी आता है ना लाइन भी आता है, ना पूरा प्रॉपर लाइन है, ये ऐसा लगता है कि हाफ मून का लाइन है। तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसको अभी हॉरिजेंटल भी लिखना है और वर्टिकल भी आपको लिखना है। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारा हाथ का एक्सरसाइज भी बढ़ता है। अब जो भी ड्राइंग करने से पहले इसको हम लोगों ने हमेशा प्रैक्टिस किया तो हमारा ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है। और फ्यूचर में आपको ये भी दिखा दो, यही प्रिंसिपल हमारे फ्यूचर का ड्राइंग के लिए क्या लाभ होगा, कैसे आएगा। अब तक कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग क्लिक जरूर कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए, तो आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप सब्सक्राइब करने से हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।